जम्मू कश्मीर की इस वक्त जहाँ पर इंटरनेट बंद है, पिछले दिनों जहाँ पर जो इग्नोथ आर्टिस्ट हैं, जो हमारे लोग थे अनट्रेंड ग्रेजुएट पोस्ट ग्रेजुएट टीचर्स, उनका एक जहाँ पर जो बीएड का एग्ज़ाम था वो कंडक्ट किया गया, सिर्फ दो दिन पहले इन्फॉर्मेशन जो थी एग्ज़ाम की दी गई, और इन लोगों को किसी मतलब कि अनरिलेबल सोर्सेज से ये इन्फॉर्मेशन मिली कि एग्ज़ाम हो रहा है। इस वक्त स्टेट के अंदर नेट की फैसिलिटी नहीं थी, जो दूर दराज हमारे इलाके हैं राजौरी पुंछ डोडा के लोग अपने पैदल, हमारी बहनें और हमारे भाई पैदल चलकर कई रस्ते का रस्ते बंद थे, उन्होंने साइबर कैफे में जाकर डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर्स पर जो उनका रोल नंबर थे इनरोलमेंट नंबर अनलोड किए, और उसके बाद उन लोगों ने एग्ज़ाम दिया और किसी कारणवश विदाउट या भी जिसको जो दो एग्ज़ाम थे BES 128 और 129 7th और 8th जनवरी को हुए, इन लोगों ने एग्ज़ाम देने के बाद इनको जो इन्फॉर्मेशन दी गई, ये जो आपके दो दो एग्ज़ाम हैं ये कैंसिल किए गए हैं। हमें ये समझ नहीं आती कि इग्नोथ आर्टिस्ट ने किस बिनाज़बर पर किस कारण ये जो एग्ज़ाम थे ये जो हैं वो कैंसिल किए हैं। हम इग्नोथ आर्टिस्ट से ये रिक्वेस्ट करेंगे कि इस आर्डर को कैंसिल किया जाए और जो एग्ज़ाम है वो बहाल किए जाए, नहीं तो जम्मू कश्मीर टीचर्स फोरम इसको आर्डर को कैंसिल कराने के लिए जो अपने पुत्रे पूरे ऑफिस बिरर्स हैं फारग इसको कैंसिलेशन के लिए हम लोग सड़कों पर निकलेंगे, और जब तक ये आर्डर कैंसिल नहीं होगा ये जो स्ट्रगल है वो कंटिन्यू रहेगा।